हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक विद जसलीन। आज हम बनाने वाले हैं आलू बैंगन की सब्जी रेस्टोरेंट स्टाइल में, जो हम बनाएंगे बाहर चूल्हे पे। उसके लिए मैंने लिया है 2 प्याज, 2 टमाटर, 10 से 12 गार्लिक के टुकड़े, 10 से 12 हरी मिर्च, 2 इंच अदरक, नमक, धनिया पाउडर, देगी मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, अमचूर पाउडर, 3 आलू और 8 से 10 बैंगन छोटे वाले। चलिए बनाते हैं बैंगन की सब्जी। इसके लिए मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल डाला है। मुझे सरसों का तेल पसंद है, आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें जीरा डालेंगे, जीरा हमारा ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम अदरक और लहसुन डालेंगे। इसको गोल्डन ब्राउन होने देंगे। अदरक लहसुन हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो मैं इसमें अब प्याज ऐड कर रही हूँ और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। चूल्हे की खुशबू की तो बात ही अलग है। जिसको पता है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताए। प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, 3 से 4 मिनट लगे हैं। अब हम इसमें टमाटर और हरी मिर्च ऐड करेंगे। सामान को ग्राइंड भी करके डाल सकते हैं, पर मुझे ऐसे पसंद है तो मैं डालती हूँ। अब मैं सारे मसाले ऐड करूँगी, नमक, हल्दी, देगी मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला। ये मसाला अभी थोड़ा लग रहा था, फिर इसमें थोड़ा पानी ऐड किया है और ये देखिए कलर कितना अच्छा आया और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। मसाला हमारा पूरा रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें आलू ऐड करूंगी, जो मैंने पानी में भिगो के रखे थे, क्योंकि पानी में भिगो के ना रखेंगे तो ये काले पड़ जाएंगे। अब आलू को हम 2 से 3 मिनट पकने देंगे और ढक देंगे। देखिए आलू अब 2 से 3 मिनट तक पक चुके हैं और इसमें हम बैंगन ऐड कर देंगे। पानी मैंने निकाल दिया है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब ये सारे सामान मिक्स हो गए हैं, अब हम इसको ढक देंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाते रहेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए आलू भी हमारे आसानी से कट रहे हैं। ये रेडी हो चुकी है सब्जी, अब हम इसको उतार देंगे। ये लीजिए हमारी आलू बैंगन की सब्जी रेडी है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।